हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक स्टोरी सुनाने वाली हूँ। वो एक स्टोरी ना होकर एक रियल इंसिडेंट है जो कि मेरे बचपन का है, जिसको मैंने अनुभव किया है। तो वो इंसिडेंट सुनाने वाली हूँ। मेरी एक फ्रेंड हुआ करती थी बचपन में, तो वो फ्रेंड अक्सर बीमार रहा करती थी। उसके पेट में दर्द रहा करता था, वो ऐसे झुक के चला करती थी। हम सोचते थे झुक के क्यों चलती है, अलग तरीके से चलती थी। एक झुकाव था उसकी गर्दन पर। तो वो बोलती थी कि उसे कोई मारता है, पीटता है, घूंसे बजाता है, उसको मारने की कोशिश करता है, उसके पेट में घूंसे मारता है। इस चक्कर में उसका ऐसा हो गया था शरीर झुक झुक के। तो इस बात पर थोड़ा बिलीव नहीं होता था तब तक, जब तक हमें पता नहीं था ये सब बातें। तो एक बार हमारे ताऊजी जो कि भूत प्रेत ये सब झाड़ा करते थे, वो उत्तराखंड, हम लोग उत्तराखंड से हैं और हम ये घटना यूपी की है, क्योंकि पापा यूपी में जॉब किया करते थे। तो वो आए, तो उन वो अब जब हमारे ताऊ जी आया करते थे घर, तो उन दिनों लोग आ जाया करते थे उनको दिखाने के लिए कि कोई प्रॉब्लम होती थी तो उनको बताते थे। तो मेरी फ्रेंड भी आई उनको दिखाने के लिए। तो उस उन्होंने जब उसका हाथ पकड़ा, उसको बबूती लगाई, तो जैसे ही बबूती लगाई उसके ऊपर, उस मेरी फ्रेंड के ऊपर, उसके पिछले जन्म के मम्मी पापा भाई तीनों बारी बारी आए और बातें बताई। तो वो बातें सुनकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, मुझे क्या इवन सभी को बहुत ज्यादा आश्चर्य हुआ। वो बातें मैं आपको बताती हूँ कि उनके ऊपर क्यों आते थे और क्या बताया। तो जब उसके ऊपर जो उसको मारा, जो उसके ऊपर मारा करते थे, वो उसके पिछले जन्म के माता पिता और भाई थे। तो उनसे पूछा कि तुम अपनी इस बेटी है अगर, तो उसे क्यों मारते हो। तो उस लड़की के जो भूत उसके ऊपर आ रहे थे, उसके माता पिता, तो उन्होंने बताया कि पिछले जन्म में ये हमारी बेटी थी और एक घटना में हम तीनों लोग मारे गए और ये बच गई है। तो इसीलिए अब हम इसे अपने साथ लेने के लिए आए हैं और इसीलिए इसे मारते पीटते हैं ताकि हम इसे अपने साथ ले जा सके। हम इसे अपने से अलग नहीं कर सकते और हम इसे अभी भूल नहीं पाए हैं, तो इसलिए अब हम इसे अपने साथ ले जाएंगे। तो इस तरह से पता लगा दिया उन्होंने कि इसको कौन भूत प्रेत लगे हुए हैं। तो इस तरह से, लेकिन कुछ दिन की बबूती बना दी उन्होंने, बता दिया। और इसके बाद उनसे उन्होंने कहा कि आप अपने ही लैंग्वेज वाले व्यक्ति को कहीं दिखाएं जिससे कि ये सही हो जाएंगी। तो इस तरह से वो लड़की कुछ समय बाद अच्छी जगह कहीं, मतलब प्लेन्स में, जहाँ उत्तराखंड बुंदेलखंड में ही बबूती करवाई उस लड़की की, और लड़की बिल्कुल नॉर्मल हो गई और बिल्कुल सही हो गई धीरे धीरे। तो जो लोग इन बातों पर विश्वास नहीं करते हैं कि भूत प्रेत बाधाएं होती हैं, तो और कहते हैं पहाड़ों में ही ये सब होता है, तो ऐसा नहीं है। ये सब पहाड़ों में ही नहीं होता, ये सब प्लेन्स में भी होता है या किसी भी जगह पर हो सकता है। तो फ्रेंड्स, आज की ये स्टोरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर मेरी स्टोरी सुनाना आपको पसंद आ रहा है तो कमेंट जरूर करें। और आपके पास भी कोई रियल स्टोरी है तो मेरे साथ शेयर करें, मैं उसे सबको सुनाऊंगी। और वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कॉमेंट करें। बाय बाय, टेक केयर।